सो गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं हीरो ब्रांड एसएमपी के बारे में। मतलब क्या अपन लोग बात करेंगे यार हीरो ब्रांड एसएमपी के में आखिरकार चल क्या रहा है। इस वाले वीडियो से पहले गाइस यार पांच पार्ट आ चुके हैं मेन स्ट्रीम के बाद, मतलब हीरो ब्रांड कोट ईयरिंग की जो मेन स्ट्रीम हुई थी उसके बाद क्या कुछ हुआ है उसके ऊपर गाइस पांच पार्ट आ चुके और गाइस ये जो है छठा पार्ट है। वैसे टोटल एपिसोड्स के हिसाब से गाइस ये है 22 एपिसोड ऑफ हीरो ब्रांड एसएमपी। यहां पर जो गाइस काफी लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए मैंने सोचा भाई क्लियर कर दूं। सो हीरो ब्रांड एसएमपी में गाइस सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं अपने रोनी भाई, वन स्पॉट भाई और अपने चपाती भाई के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो के अंदर बताया था कि भाई जो चपाती भाई है उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, क्योंकि यार रोनी भाई जो है वो एशियन डेवरीज के ऑटोमेटिक मशीन चला देते हैं जिस कारण जो सर्वर क्रैश हो जाता है। पर भाई वो जो सारा इल्जाम जो है वो चपाती भाई के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि जिस वक्त वो मशीन चलाते हैं ठीक उसी वक्त जो चपाती भाई सर्वर में ज्वाइन होते हैं और भाई इसीलिए भाई वन स्पॉट भाई को भी नहीं पता होता कि जो सर्वर है वो रोनी भाई की वजह से क्रैश हुआ, इसलिए उनको भी लगता है कि भाई जो सर्वर है वो चपाती भाई के कारण क्रैश हुआ। इसलिए भाई दोनों जो है चपाती भाई को भी कहते हैं कि भाई आपके कारण जो सर्वर क्रैश हुआ। फिर जो है एक अलग ही सीन होता है, मतलब कि यार वन स्पॉट भाई और चपाती भाई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि सर्वर जो है तेरी वजह से क्रैश हुआ और चपाती भाई कहते हैं तेरी वजह से क्रैश हुआ है। वापस सर्वर क्रैश करने आगे वापस सर्वर क्रैश करने आगे 2-1 क्रैश। गाइस हे गाइस हो हेलो चपाती भाई इस बार क्रैश नहीं हुआ, गुस्सा हो चुका हूं। मेरे सामने मत आना, मेरे सामने मत आना, मैं आपसे गुस्सा हूं सर जी। मैंने खतरनाक तीर कमान मारता ना, अरे किधर हो सब लोग, कौन पीछे बोल रहा है? मैं चपाती भाई के घर के आऊँ। चपाती भाई, अरे रुको रुको, मुझे भी आने दो, मुझे भी आने दो, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। मतलब नहीं मुझे, हाँ हाँ, मतलब तुम लोग दोनों ऐसा लड़ने वालों ना, मेरे को देखना है, ऐसा मारामारी करो दोनों ना ऐसा। मतलब यार वो दोनों जो है आपस में सच में लड़ने लग जाता है। फिर जो भाई वो डिसीजन लेते हैं कि भाई जो मशीन गएगी, मतलब जो उनके पास मशीन उन्होंने बना रखी जो कि यस और नो में जवाब देते हैं, फिर जो उससे पूछता है कि भाई जो सर्वर वो चपाती भाई की वजह से क्रैश हुआ है या फिर नहीं। मशीन से पूछ, मशीन से पूछेंगे क्या चपाती भाई ने सर्वर क्रैश कराया। Let's go. मुझे मतलब क्या जो मशीन है वो भी कहते हैं कि जो सर्वर है वो चपाती भाई कारण क्रैश हुआ। फिर जो भाई रोनी भाई और अपने वन स्पॉट भाई जो दोनों मिलकर अपने चपाती भाई को मारना स्टार्ट करते हैं। फिर ये जो लोग आपस में डिसीजन करते हैं कि भाई ऐसे तो यार पता नहीं चलने वाला, तो भाई इसलिए अपन कोर्ट में जाए। पर यहाँ पर गाइस मजे की बात देखो, भाई कोर्ट का जो जज है पता है किसको बनना है? अपने रोनी भाई को। मतलब कि भाई जो जिस बंदे कारण सर्वर क्रैश हुआ, भाई जो दोषी है भाई वो खुद ही जज बनकर बैठा हुआ है। उस दो घंटे से कुछ सर्वर को नहीं हुआ, ईशान खेल रहा है पिछले आधे घंटे से कुछ नहीं हुआ, आपके आते ही क्रैश हो गया, कैसे हम इसका क्या समझे? ब्रो गाइस देखो सुनो, मैं सफाई में कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है? चलो अदालत चलते हैं, वहाँ पे कार्रवाई होगी भैंस की। आगे चलो 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 ये चलो ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ, सारे बैठ जाइए। नहीं 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 नहीं, ओए 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 ओए, तीर कमान चल रहा है भाई, तीर लेकर आया अदालत में, तीर लेकर आया, इसको सजा सुना इधर इधर, मारो भाई, मारो मारो इसको, मारो इसको, मारो मैजेस्टी, क्या बोलते मैजेस्टी भाई, मेरे को राजा बना दिया भाई यार, मैजेस्टी बोल दिया। चलो 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 आपस में झगड़े करो, चलो चलो डिसाइड करो कौन किसने सर्वर क्रैश कराया, डिसाइड करो। योर ऑनर देखो मेरा केस सिंपल है, हमारे काबिल दोस्त मेरे पर इल्जाम लगा रहे कि सर्वर मैंने क्रैश किया, हालांकि मैंने ज्वाइन किया था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बराबर, पर ऐसा ऐसा नहीं कि आपके ज्वाइन करते सर्वर क्रैश हुआ था। आई रेस्ट माय केस। हमारे नाकाबिल दोस्त आते ही सर्वर क्रैश हो गया, कैसे नाकाबिल दोस्त आते? ये देखो यो दादा, आपके कोच भाई तीर नहीं, अच्छा मैंने बार बार तीर चली, मतलब यार इन दोनों को पता ही नहीं कि भाई जो सर्वर है भाई वो अपने इस जज के कारण ही क्रैश हुआ, भाई जो दोषी है भाई वो ही जज बनाकर बैठा है, और इन दो नदान परिंदों का आपस में लड़ाया कर भाई रोनी भाई मजे लूट रहे आराम से। और यार ये जो लोग हैं यहाँ पर भी नहीं रुके, मतलब रोनी भाई ने पूरा प्लान बना रखा था भाई इन दोनों को आपस में लड़वाना है, मतलब जिसकी गलती है भाई वो मजे ले रहा है, जो जिनको जिन दोनों को कुछ पता ही नहीं है भाई वो आपस में लड़े। यहाँ पर यार इन तीनों का ये सब चल रहा है, वहां पर यार अपने फ्लीट भाई जो अलग ही काम करे जा रहे, मतलब भाई उनका जो बिजनेस है वो तो चलो सेट हो गया, उनके दिमाग में एक नई चीज आई है, वो आप से सुनो क्या ही बायो में। और मेरे को सच्ची में यकीन नहीं हुआ जब मैं सोच रहा था यार कि भाई किसी ने भी अभी तक का मशरूम बायोम तो ढूंढा ही नहीं है। भाई मशरूम बायोम कितना कूल होता है, देखा तुम लोगों ने यार, मूशू काउ मिलती है उधर, मस्त गाढ़ा गाढ़ा सूप पिलाती है भाई, तो हम लोग आज वही ढूंढने वाले। मुझे नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 6 घंटे ना लगे भगवान प्लीज, पर ठीक है। हम लोग के बाद जो है फ्लीट भाई अपनी पूरी तैयारी कर मतलब भाई सामान वो हमारा सब कुछ लेकर भाई चल देते हैं भाई मशरूम बायम ढूंढने। और गाइस वो ढूंढते ढूंढते भाई उनको हो जाते हैं भाई 10-15 दिन, मतलब मजाक कर रहा हूं भाई, काफी टाइम हो जाता है पर उनको मशरूम बायम नहीं दिखती है। पर फिर भाई समुद्र में कश्ती चलाते चलाते उन्हें दिखता है कुछ यार, पता नहीं कब मिलेगा ब्रोम, आज मिल जाए तो बढ़िया ही है, वरना फिर बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार।
क्योंकि मैं निकला हूँ तो मैं करके रहूंगा, आप चाहे 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, भाई ढूंढूंगा, मतलब ढूंढूंगा, ढूंढ के दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, यस गाइस, फाइनली हम लोगों को यार मशरूम बायो मिल चुका है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को मशरूम बायो मिल चुका है भाई। मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को एक बार फीलिंग आ गई थी कि भाई अब नहीं मिलना है भाई, अब नहीं मिल रहा मशरूम बायो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं पिछले कम से कम नहीं तो आधे एक घंटे से मेरे को रस्ते में भाई लिटरली ओशियन मोन्यूमेंट सब कुछ मिल गया। ये असली है ना दोस्तों, ये तो ये असली ही है ना दोस्तों। भाई भाई मेरी मशरूम काओ, भाई मुझे मशरूम काओ दिखाओ भाई, भाई भाई मेरे को मशरूम काओ दिखाओ। ये कहीं छोटा सा ऐसा टिल्ले जैसा आइलैंड तो नहीं है ना? ओ भाई ये बहुत बड़ा है भाई, पीछे तक का क्या हुआ है? Yes, boys. मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं पिछले आधे एक घंटे से मेरे को इतनी सारी चीजें दिखी। मम अरे रुको यार, रात हो रही क्या भाई? सबर का सूप पींगे गाइस, सबर का सूप। रुक जाओ जरा, इधर आओ, इधर आओ गौ माता। गाइस अब हम लोग बिल्कुल भी गोल्डन कैरेट नहीं, सबर का सूप पींगे गाइस, सबर का सूप। देख रहे हो कितना कूल लग रहा है सुनने में। आए हाय हाय हाय। सो फाइनली यार उन्हें मशरूम बायोम और साथ में यार मशरूम काउज भी मिल जाते हैं, सारा काम जो उनका हो जाता है। यहाँ पर एक दिक्कत आती है, जो मशरूम बायोम होती है यार वो सच में बहुत ज्यादा दूर होती है, इसलिए गाइस वो जो है पोर्टल का रास्ता बनाते हैं। मतलब कि भाई पोर्टल से आना जाना भाई 7 टाइम्स जो है कम हो जाता है इसी जगह है दोस्त। मैं पहले सोच रहा था गाइस कि हम लोगों को घर बनाना है, मतलब घर, मैं पहले सोच रहा था गाइस कि हम लोगों को यहाँ से ना रास्ता बनाना पड़ेगा घर के लिए। फिर मेरे एक चीज दिमाग में आई, भाई अगर ये जो बायोम है ये मैंने ढूंढा है और अभी किसी और को इसका पता नहीं चलना चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रास्ता बना दूंगा पोर्टल तक का तो उससे तो कोई भी चल के आ जाएगा नहीं, तो ये क्या सीक्रेट रह गया भाई? तो मुझे ये वाला पोर्टल कहाँ पर है वो याद करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे वहां से यहां तक का खुद से चल के आना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ एक प्रॉपर रास्ता। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि हम लोगों का घर वाला पोर्टल कितना दूर पड़ रहा है यहाँ पर। सो फ्लीट भाई का यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है भाई, वो सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह याद कर लेते हैं ताकि उन्हें जो है मशरूम बायोम जाने का रास्ता याद। अब गए जाते हैं यार अपने अज्जू भाई पर, मतलब कि यार मैंने आपको क्या कहा था भाई, अज्जू भाई जो है भाई दिल पे ले लिया उन्होंने बात, और भाई वो लग गया अपना पूरा साम्राज्य किंगडम बनाने, और भाई उन्होंने अपने किंगडम बहुत कुछ अपग्रेड करा, और साथ ही भाई उन्होंने जो अपना एक छोटा सा महल बना लिया। अभी तो भाई उसका 1 स्टेज है भाई, पता नहीं कितना कुछ बनने वाला अभी भी। जैसे कि जरा भाई अगर देख सकते हो, जो अज्जू भाई है उन्होंने अपना महल जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, और साथ में भाई जो विलेजेस की जगह थी उसको भी यार एकदम प्लेन कर दिया, काफी कुछ यार अपग्रेड करा, मतलब छोटी छोटी बारीकियों पर भाई ध्यान दिया, हर जगह लालटेन वगैरह सारी चीज भाई अच्छे से लगा। मुझे तो लग रहा है भाई अज्जू भाई का यहाँ पर आने के बाद फायदा ही हुआ है, क्योंकि भाई वहां पर तो भाई वो कुछ भी बनाए भाई अगले दिन कोई ना कोई अगर तोड़ फोड़ कर चढ़ा जाता, और यहाँ पर यार ऐसा कोई सीन नहीं। सो बस गाइज आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, आई होप गाइज आपके लिए जो वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर रही है तो भाई इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस अमेजिंग वीडियो को, और भाई अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लो, बेल आइकन देर का उसको भी यार यहाँ से और पकड़ लेना।